हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एवरीडे फोकस में। जी हां दोस्तों, आज की बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है बिहार BS PSCL से रिलेटेड। जी हां दोस्तों, 575 पदों पर जो है नोटिफिकेशन निकाली गई है कल की डेट में 12 जून 2020 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है निकाली गई है 575 पदों पर, जिसमें JEE के लिए रखी गई है, टेक्नीशियन के लिए रखी गई है ITI और डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। क्या 2020 की यह नई भर्ती है, क्या यह भर्ती जो है फेक है या रियल नोटिफिकेशन है, पूरी जानकारी हम आपको जो है देने वाले हैं। तो बात करेंगे कि क्या ये फेक नोटिफिकेशन है या रियल नोटिफिकेशन है। तो चलिए दोस्तों, आज की 13 जून की बहुत बड़ी खबर जो है देख लेते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन निकाली गई है रियल है या फेक है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। 575 पदों पर नोटिफिकेशन निकाली गई है। तो दोस्तों पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। तो प्रूफ है, देख सकते हो, हिंदुस्तान की न्यूज़ है। बिजली कंपनी की वेबसाइट बना अपलोड किया विज्ञापन, ऊपर यहां पे देख सकते हो 13 जून बिहार पटना पेज नंबर 4 पर आपको पूरी न्यूज़ जो है मिल जाएगी। साथ ही यहां पे देख सकते हो 13 जून 2020 की प्रभात खबर की न्यूज़ है। यहां पे देख सकते हो 13 जून 2020 की प्रभात खबर की न्यूज़ है। और कैसी न्यूज यहाँ पे देख सकते हो, अफवाह भ्रामक सूचना से बचने की दी गई सलाह, बिजली कंपनी में नौकरी का फर्जी विज्ञापन निकाला, FIR किया गया। साथ ही 575 पदों पर बहाली की दी थी भ्रामक सूचना, पटना राज्य की बिजली कंपनी में नौकरी के लिए फर्जी विज्ञापन निकालकर अभ्यर्थियों के साथ फर्जीवाड़े की तैयारी का खुलासा हुआ है। बिजली कंपनी ने शुक्रवार को पटना के कोतवाली थाने में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। बिजली कंपनी ने कहा है कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं चल रही है। कंपनी ने कहा कि ऐसी सूचना लोगों के बीच फर्जी ढंग से भ्रम फैलाकर ठगी करने के उद्देश्य से फैलाई जा रही थी। ऐसे भ्रामक सूचना से बचने और सतर्क रहने की आवश्यकता है। कंपनी ने कहा कि नियुक्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना या विज्ञापन कंपनी के द्वारा अपने अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है। बिजली कंपनी की तरफ से बताया गया कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और इसकी सहायता कंपनियों में विभिन्न पदों के लिए नौकरी की सूचना जो यहां पर दी गई है लिंक के माध्यम से प्राप्त हुई। फर्जी विज्ञापन में बताया गया कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 400 पद और जूनियर इंजीनियर सिविल के कुल 175 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जानी है। और ये लिंक यहाँ पे देख सकते हो, इसी लिंक पर जो है विज्ञापन फर्जी निकाली गई है। तो ऐसे विज्ञापन से जो है आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि ऐसे विज्ञापन जो है आपसे फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। अगर वो 1000 रुपये लेते हैं तो 10 लोगों से, यहाँ पे देख सकते हो, 10,000 लोग, 100 लोगों से 1,00,000 की ठगी की जा सकती है। ऐसे ये लोग करोड़ों की ठगी जो है आप लोगों से कर सकते हैं। तो ऐसे फर्जी विज्ञापन से बच के रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम आपको डेली टू डेली अपडेट करते रहेंगे। अगर रियल न्यूज आती है फिर भी इन्फॉर्मेशन करेंगे, फेक न्यूज आती है फिर भी इन्फॉर्मेशन जो है देते रहेंगे। तो ऐसी न्यूज़ों से आप लोग जो है बच के रहिए। साथ ही यहाँ पे ग्रुप डी भर्ती अभ्यर्थियों से घंटों पूछताछ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मामला जो है आ रखा था। बिहार विधानसभा में होने वाली बहाली के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले छात्रों के खिलाफ जो है पुलिस ने जांच तेज कर दी है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी विज्ञापन जो है निकाली नहीं गई है, विज्ञापन जो निकाली गई थी ये फर्जी विज्ञापन निकाली गई थी। 575 पदों पर बहाली की यहाँ पे फर्जी विज्ञापन निकाली गई थी। तो ऐसे विज्ञापन से रहिए सावधान। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, ऑल द बेस्ट।